हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। कुसुम ने खुद ले लिया भाई फोन, इनसे लिया है, इधर इनसे इनके हाथ से छीन लिया। अभी जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल, वो हस्बैंड चले गए ऊपर गाड़ी के पास और मैं थोड़ी लेट हो गई। दौड़ दौड़ के जाती हूँ वरना मैं डांट पड़ जाएगी मुझे। मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल के पास। अभी हम जा रहे हैं अर्की हॉस्पिटल, जो मैंने आपको बताया। हॉस्पिटल हम क्यों जा रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ हम पहुंच गए अर्की हॉस्पिटल। पर्ची बनाने के बाद अब हम जाना है सेकंड फ्लोर में, क्योंकि डॉक्टर वहीं पे बैठे हैं। सामने हमें लिफ्ट दिखी तो हम लिफ्ट में निकल गए। वैसे हम पहाड़ियों को आदत होती है पैदल चलने की, पर चलो जब फैसिलिटी मिल रही है तो फिर उसका फायदा भी उठा लेना चाहिए। यहाँ पे आते ही हमने देखा कि काफी ज्यादा रश है, काफी लोग आए हुए डॉक्टर के पास दिखाने। मुझे मिलना है सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, तो उनके पास जो पेशेंट की लाइन है वो ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊंगी। और मुझे क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे हुआ है टांग में बहुत बड़ा फ्लेगमेंट, फ्लेगमेंट मीन फोड़ा। मैं कुछ दिनों से घर में इसका इलाज कर रही थी, मैं सोची थी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, बट विदाउट डॉक्टर ट्रीटमेंट ये ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे आज डॉक्टर के पास आना ही पड़ा। और डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट भी लिखे, तो यहाँ पे मैं इसीलिए अपना ब्लड दे रही हूँ इनको, अपना कीमती ब्लड। आय हाय भाई, सारा ही खून निकाल लिया उन्होंने तो मेरा। जो भी टेस्ट लिखे हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो आएगी 2:30 बजे के बाद। इसके बाद अब मुझे जाना है नीचे ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि डॉक्टर अभी थोड़ी देर में वहीं पे आएंगे। जिस चीज़ से मैं डर रही थी ना घर में कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, कि जो डॉक्टर है वो फोड़े में कट या चीरा लगाएंगे और फिर उससे जो भी उसमें गंदगी है पस से वो सारी बाहर निकालेंगे, तो वही अब होने वाला है मेरे साथ और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। माइनर सर्जरी कराने के बाद मैं आ गई नीचे कुसुम के पास, क्योंकि कुछ दवाइयाँ भी है जो मैंने लेनी है, तो मैं क्या कुसुम से लेती हूँ। और यहाँ पे आके मेरा एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ा देती है। आप लोगों को मेरी बातों पर अगर यकीन है तो आप खुद देख सकते हो, प्रूफ आपके सामने। यूट्यूबर है, इनका चैनल सब्सक्राइब करो, हिमाचली। हम हिमाचली। कुसुम ने खुद ले लिया भाई फोन, किनसे लिया है, इधर इनसे इनके हाथ से छीन लिया है। और देखो ऐसे होते सपोर्ट करने वाले। अब आप लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, देख लो शक्ल मिलो भी कि नहीं, के बार बांध के ब्याह बंदी तो बार नहीं आऊंगी। ये देखो इन्हें रहा उधर, हाँ। आपके कहाँ घर है? मेरे तो दारला में। अच्छा दारला में। इन दी से जब मैंने बात की तो ये हमारी जान पहचान के निकल गए, इनके साथ इनके मम्मी है। तो जहाँ पे इनकी मम्मी का घर है यानी कि दी का मायका है, वहाँ पे मेरा ससुराल है उस साइड। तो ये हमारे सारे घर वालों को जानते हैं और इन्होंने बताया कि हम कौन से गांव से, फिर मैंने भी इनको बताया कि हम वहां से, तो फिर ये बोल रहे कि मैं सबको ही जानती हूं आपके घर में, तो फिर हमारी जान पहचान भी निकल गई। और इनको मैंने बोला कि आप व्लॉग देखते रहना, अब अगर दी आप ये वाला व्लॉग देखोगे तो कमेंट जरूर करना। इसके बाद हमें कुछ सामान लेना था तो हम आगे यहाँ पे शॉप में, और यहाँ पे आके मिल गए हमें हमारे जानने वाले यानी हमारे गांव के हमारे मामा जी लगते हैं। चलो मामा जी पार्क चलो। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पहुँच के गन्ने वाली शॉप में, अगर थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और आज धूप बहुत ज़्यादा तेज है। सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो पेनफुल होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा मस्त घूम रही हूँ और हंस रही हूँ। तो डॉक्टर ने जब फोड़े में चीरा कट लगाया था तो उससे पहले उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए थे जिससे हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होती, तो उसी इंजेक्शन का असर है अभी और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मेरे कहीं कट लगा या मुझे कुछ हुआ है। जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा ना तब लगेगा मुझे असली पता तो कि कितनी दर्द है मुझे। यहाँ पे मिल गई थी मुझे बच्चा पार्टी, तो इनको मैंने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, तो इन्होंने बताया कि हम अर्की में रहते हैं और बॉय स्कूल में पढ़ते हैं। हाय।
इसके बाद आगे हम अपने घर की तरफ। गूगल तू निकलता, गर्मी बाहर है ना भाई। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, क्या बताएं। और मौसम का कोई पता नहीं होता कब बदल जाता है, एकदम से तूफान आ जाता है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अब घर पहुंच के हमने पहले रेस्ट ही करना है, और दर्द का पता तो मुझे बाद में चलेगा जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा। The next day. हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले तो आपको नवरात्र 2024 के नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैंने सोचा था कि जब नवरात्रे आएंगे, मैं कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी कि जैसे नवरात्रे शुरू होंगे तो मैं क्या करूँगी कि पूरे 9 दिन ना किसी ना किसी मंदिर जाऊँगी माता के, और अपने साथ साथ आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी। पर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। तो आज फिर से फर्स्ट नवरात्रा है आज, तो आज आ रही हूँ मैं हॉस्पिटल ड्रेसिंग करवाने। तो कल तो मेरे साथ हस्बैंड थे, पर आज मैं अकेली हूँ तो मुझे जाना है अभी बस में। कल तो ऐसा हुआ था कि इंजेक्शन लगा के वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी जगह, जिसकी वजह से मुझे दर्द नहीं, बट आज ड्रेसिंग करेंगे ना वो, तो वो आज ऐसे करेंगे, मुझे लग रहा है कि आज मुझे कल से ज़्यादा दर्द होगी। देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अभी टाइम हुआ है, अभी 12 बज रहे हैं, तो देखते हैं मुझे कब जैसे बस मिलेगी और कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल में। चलो मैं आपको मंदिर के दर्शन तो करवाऊँ, चलो आज हॉस्पिटल ही ले चलती हूँ फिर से। फिर तो मुझे यहाँ पे खड़े हुए 20 मिनट हो गए, अभी तक कोई बस नहीं आई। अब शायद बंसल बस आती है 12:30 बजे, तो उसका वेट कर लेती हूँ 12:30 तक। तब तक आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर दो अगर आपने नहीं किया है, कंप्लीट बाद में देख लेना, बीच में लाइक कर सकते हैं आप। यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ चलेगी ना, पर कोई भी मेरे जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानने वाले तो उनको दे सकते हैं हम हाथ, ना रोक भी सकते हैं गाड़ी। आई आई बस, आई बस तो मुझे मिल गई, पर बस में इतना ज़्यादा रश था ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ बस स्टैंड, और लोगों की भीड़ पहले लगी है बाहर अंदर आने को, बाहर उतरने नहीं दे रहे हैं, तो फिर कंडक्टर जी भी इनको ठीक ठाक डांट रहे हैं। और सीटें खाली है गाड़ी। अरे मैडम जी उतरने क्यों नहीं दे रहे हैं आप, पहले सवारियों को। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, अब मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ कुसुम की शॉप पे, पर वो यहाँ पे है नहीं, अभी उसकी चेयर खाली है। मैडम जी लंच करने गए होंगे क्योंकि टाइम 1 बज रहा है। चलो वेट ही करती हूँ। कुसुम पानी की बोतल खाली है, इसको भर के रखा कर। नहीं भाई, भाई ये क्या है, रंग खुशबू है तो गायों को आता है। आ गाय का ये कैमरे लगाया उसने कहा। यहाँ पे अपने कैमरे से देख रही होनी मुझे वो सीसीटीवी कैमरा। यहाँ पहुँचने के बाद भी मैंने कुसुम को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो लंच करने गई है और थोड़ी देर में आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे दिखी मुझे वेटिंग मशीन, तो मैंने सोचा चलो वेटिंग मशीन अपना वेट ही चेक कर लेती हूँ, पर ये मुझे ख़राब लग रही है क्योंकि इसमें नंबरिंग है जो वो सही नहीं आ रही है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेती हूँ। कुसुम ये मेरी सारी हरकतें अपने फ़ोन में ज़रूर देख रही होगी, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो हमारे फ़ोन से भी कनेक्ट होता है, हमारे फ़ोन में दिखता रहता है कि कौन हमारे घर आया है या कौन क्या कुछ कर रहा है जो कैमरे के सामने। तो वो परेशान भी होगी होगी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे दीदी। तो भाई कुसुम मैंने कुछ नहीं लिया है आपकी शॉप से, बस मैंने फ़ैन ऑन किया था तब मैं अंदर गई थी, बाकी बाहर आ गई और वेट चेक किया, जो गलत आया। कुसुम मुझे कैमरे से देख रही है, पता लगा कोई आया है। तो फिर यहाँ साथ से दीदी आया तो उन्होंने बोला कि वो काफ़ी लेट आएगी, फंक्शन में गई कहीं,
शादी में नहीं आई है, वो लंच करने नहीं गई है। ओके कुसुम, टाटा बाय बाय। इसके बाद जैसे मैं बस स्टैंड पहुंची तो मैंने देखा कि यहाँ पे आज फर्स्ट नवरात्र है, तो इसलिए आज यहाँ पे सभी को प्रसाद बांट रहे थे माता का। तो मेरा तो आज व्रत था नवरात्रि का, पर यहाँ पे साथ में भजन कीर्तन भी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसमें शामिल हो जाती हूँ। वैसे मेरा आज मन था माता के मंदिर जाने का, तो यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मैं तो माता के मंदिर जा नहीं सकी, लेकिन माता रानी मुझे खुद ही रास्ते में मिल गई। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया और साथ में आप लोगों के लिए भी एक प्यारी सी वीडियो बना दी। मैंने एक वीडियो अलग से डाली है भजन कीर्तन की, तो आप लोग उसे भी जरूर देखना। बहुत प्यारे भजन कीर्तन किया यहाँ पे सबने। धूल की चिमटा भैया तेरे मंदरा तो जाना, तारानी के दरबार से आने का मन हो तो नहीं रहा था, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भी जाना है। साथ में मुझे हस्बैंड की कॉल आई थी कि मैं भी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं, तो मैं सीधी चली गई फिर निशा के पास। थोड़ी देर मैंने वहां वेट किया, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए। अब हम जा रहे हैं अपने घर और इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।